बलरामपुर नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ थाना हरैया सतघरवा क्षेत्र के गुगौली कला के मजरे नई बाजार में शुक्रवार की देर रात करीब 9 बजे हुए तेज धमाके से पूरा कस्बा सहम उठा। धमाके की आवाज आसपास के गांव शंकरपुर पचपेड़वा गिरगिटही महमूद नगर कमदा सहित कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। गांव में रहने वाले मोहम्मद आरिफ उर्फ गुड्डू धनिया के घरेलू शौचालय में हुए इस विस्फोट से शौचालय के साथ आसपास के कई घरों एवं विद्यालयों के शौचालयों की दीवार चटक गई। शौचालयों की छत में लगे टीन शेड के टुकड़े उड़कर आसपास के पेड़ों पर चिपक गए। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय में छिपाकर रखा गया बम फटा है। शुक्रवार रात से ही गांव के लोग दहशत में हैं। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद से गुड्डू का परिवार लापता है। स्थानीय लोगों ने घटना की गहराई से जांच करने के लिए प्रदर्शन भी किया। सर यहाँ 14 घंटा हो गए, पुलिस का कोई मामला हम लोगों को नहीं मिला है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हम लोग SP कप्तान IG DIG थाना से लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा गांव ये जहाँ बम धमाका हुआ इससे 3 किलोमीटर की दूरी पे, ये रात्रि लगभग 9:30 बजे एक ऐसा धमाका हुआ है जो 15 किलोमीटर के रेंज में इसका ध्वनि था। इसके ध्वनि का गति लगभग 15 किलोमीटर के रेंज में था। ये धमाका छोटा मोटा नहीं, साजिशन बहुत बड़ा धमाका था। और ये गांव गुगौली कला जो है ये बॉर्डर एरिया से लगभग टच करता है। इधर से बॉर्डर एरिया नेपाल के लिए रास्ता भी निकला हुआ है। हो सकता है जिसके घर में गुड्डू धुनिया के घर में जो बम मिला है, हो सकता है इसका लिंक जो है नेपाल से रहा हो, कोई बहुत बड़ी साजिश रचने वाला रहा हो। तो हम लोग क्षेत्रवासी मांग कर रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। थाना क्षेत्र हरैया के ग्राम गुगोली कला में कल एक विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर थाने की टीम गई। वहाँ पर ये पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू धुनिया है, उसके घर में शौचालय का जो सेप्टिक टैंक है उसके ऊपर जो शौचालय बना हुआ है उसमें वो क्षतिग्रस्त है और उसमें ही विस्फोट हुआ है। इसमें मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर SSB की डॉग स्क्वाड को भेजा गया, फॉरेंसिक्स की टीम को भेजा गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा हालांकि किसी प्रकार के विस्फोटक को डिटेक्ट नहीं किया गया है। फॉरेंसिक्स की टीम के द्वारा मौके से सैंपल्स कलेक्ट किया गया है जिस पर जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं है। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।